तो दोस्तों, आज मैं जिस जड़ी बूटी का, जिस हर्ब का यूज़ करने जा रही हूँ, उसका नाम है रतनजोत। कुछ ऐसा दिखता है, ये सूखी हुई लकड़ियों जैसा लगता है। इसका यूज़ मसालों में कलर लाने के लिए भी किया जाता है, बट बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्री मच्योर ग्रेइंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है ये। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया है, कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट पैकेट में ये आता है। आप चाहें तो नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में भी पूछ सकते हैं, बट ऑनलाइन आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 ग्राम ले लिया है। इसको मैं छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। एक बार में हम 10 से 15 ग्राम रतनजोत का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों, हमें लेना है एक पैन और लेना है कोकोनट ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस पैन में हम डालेंगे 250 ml ऑफ कोकोनट ऑयल। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी कर सकते हैं, बट और कोई ऑयल आपको नहीं यूज़ करना है। अब गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे रखना है। थोड़ा सा भी हमें हाई नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे 10 से 12 ग्राम रतनजोत, इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर, और इसे हम धीमी आंच पे बॉईल होने देंगे 5 से 7 मिनट के लिए इसी ऑयल में, ताकि इसका पूरा इन्फ्यूजन, पूरा कलर आ जाए इस ऑयल में। याद रखें दोस्तों, गैस का फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, हम इसे लो फ्लेम पे ही बॉईल करेंगे। आप देखेंगे ऑयल का कलर धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। दोस्तों, रतन जोत का यूज़ काफ़ी सालों से किया जा रहा है प्री मच्योर ग्रेइंग के लिए, सफ़ेद बालों को काला बनाने के लिए, बट आजकल के लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, सिर्फ 5 से 7 मिनट तक आपको इसे बॉईल करना है धीमी आंच पे। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली, ताकि अच्छी तरीके से इसका इन्फ्यूजन आ जाए ऑयल दोस्तों में। हमारा और तेल ठंडा हो गया है और कितना ज़्यादा ये रेड कलर का हो गया है। आपके बालों के लिए नेचुरल ऑयल बिल्कुल तैयार है, जो आपके सफ़ेद बालों पे जादू की तरह काम करेगा। इसे हम छान लेते हैं छन्नी से। आप चाहें तो किसी कंटेनर में रतनजोत को भी नीचे डाल सकते हैं, बट मैं इसे अवॉइड करती हूँ तेल को छान कर। इसका सारा इन्फ्यूजन तो आ ही गया है, फिर क्यों रखना है। इसे छान कर आप इसे एक कंटेनर में भर के रख सकते हैं। ये ऑयल आपका आराम से 1 से 2 महीने चल जाएगा। ग्लास कंटेनर में रखें और इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं, और 1 महीने के बाद आप दोबारा से इस ऑयल को बना लें, फ्रेश बना लें, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों, मेरा तो ऑयल बन के तैयार हो गया है। इस रतनजोत ऑयल को मैं लगाऊंगी 1 मंथ के लिए, और आप भी अपना ऑयल तैयार कर लीजिए आज ही। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेमेडी है। अपने सफ़ेद बालों पे इसे ट्राई ज़रूर करिए, और आपके बाल सफ़ेद नहीं भी हैं तो भी इसे यूज़ करें, कभी भी आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे।